एक दर्जन गांव संक्रामक बीमारी की चपेट में, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। बुखार के कहर से ग्रामीण परेशान, जिनका जीवन अब राम भरोसे है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। बुखार से अब तक मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। करीब 400 से अधिक लोग बुखार से परेशान है, जबकि एक दर्जन गांव संक्रामक बीमारी की चपेट में है। आपको बताते चले, यूपी के सीतापुर जनपद में तहसील मिश्रिक के गोंदला में क्षेत्र औरंगाबाद में करीब एक दर्जन गांव संक्रामक बीमारी की चपेट में है, जहां पर अब तक बुखार से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग संक्रामक बीमारी बुखार की चपेट में है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची है। ग्रामीणों की माने तो जो लोग बीमार हुए हैं वो काफी गरीब हैं। उनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब ऐसे में किस तरह से वे अपना इलाज कराएंगे? गरीब ग्रामीण केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर ही निर्भर है। अब ऐसे में बीमार लोगों का जीवन केवल राम भरोसे है। बुखार से 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के नैयर गोंदला में क्षेत्र मरीजों का हाल जानने पहुंचे, जहां उन्होंने 5 लोगों की मौत पर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि एक की मौत टीवी से हुई है, जबकि 4 अन्य लोगों की मौत के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया। कितने लोग आपके गांव में बीमार हैं और क्या? हमारे गांव में कम से कम सबके ऊपर बीमार है। हमने फोन किया सुबह सेमोक पास में, तो वो कहने लगे आपको दिक्कत हो तो अस्पताल जाइए, वहां से दवा लाइए। हमने कहा अगर हम तो सर ले आएंगे, मगर जो बीमार चल नहीं सकते हैं वो कैसे जाएंगे? तो सेमो कहने लगे हम स्वयं उनको देख लेंगे। अभी तक कोई भी डॉक्टर यहाँ पे आया नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टीम आए अच्छी, उसके पास इलाज करने के लिए। ये थोड़ा है कि 2 टेबलेट दे दिया जाए और बाद में कहने लगे हमारे पास दवा ही नहीं। गरीबी की हालत में आदमी राशन कार्ड बना तब तो खाना खा पाता है। दवा कराने की अगर होता पैसा तो खुदा बाहर करा लेता प्राइवेट में। आपका नाम? मेरा नाम शिवराज। तो कितने लोग बीमार हैं यहाँ गांव में और कितने गांव में आया हूँ? मैंने गांव के लोगों से प्रधान जी से बात की, 300-350 की आबादी में इनको जो मुझे लगभग 100 लोगों को इन्होंने बताया कि बुखार से ग्रसित हैं। और हमारी पूरी 3 डॉक्टरों की टीम मैं छोड़े जा रहा हूँ। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी भी साथ में है। लॉगिंग का इंतजाम हमने करा दिया है, लार्विसाइडल है, दवाओं की पर्याप्त सुविधा की जाएगी। 108 गाड़ी का बता दिया गया है। पीने के पानी में क्लोरीन टैबलेट की इनकी व्यवस्था कराई जाएगी। और कितने गाँव प्रभावित हैं? लगभग मेरे ख्याल से 8-10 गाँव तो जरूर है और ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 मौतें हुई हैं, वो किस बीमारी की? इसमें 2 बीमारी, 2 का तो मुझे बताया गया है कि एक तो कन्नू था, कन्नू क्या नाम था, वो टीबी का मरीज था जो जनरल से उपचार ले रहा था। एक जो है 75 साल के थे, उनको कुछ और तकलीफें थी, साथ मुश्किल से हुई।